नमस्कार। बदस्तूरी के इस सेक्शन में आज हम बात करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण खबर की जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब शहर किसी शहर में एक प्लेन की बात होती है, एरोप्लेन की बात होती है, उसके उड़ान की बात होती है, तो कई सारे ऐसे सवाल मन में आते हैं जहन में कि एक ऐसा प्लेस हो, जो एक ऐसा जगह हो जहाँ से आप कम दूरी में अपने सफ़र को तय कर सके। तो सुपौल जिला के एक शहर बीरपुर में हम हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पीछे बहुत सारे जो हैं, ये हम हेलीपैड के पास खड़े हैं। ये शहर बीरपुर इसलिए चर्चा का विषय अभी बना हुआ है क्योंकि यहाँ से अब प्लेन उड़ेगी, यानी कि घरेलू उड़ान जो है उसकी शुरुआत होगी। चाहे अगर आप देखते हैं आगे की दिल्ली का सफ़र होगा या पटना अगर आप जाना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप ये सफ़र को तय कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि जब आप किसी शहर में शुरुआत करते हैं, या फिर अभी कुछ दिन पहले जब बीते सोमवार को कुछ अधिकारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए थे बीरपुर, जो कि सुपौल ज़िला में, वहाँ उन्होंने विज़िट किया और ये पूरे जो हमारे आप पीछे देख सकते हैं, पूरे हेलीपैड पर हम अभी खड़े हैं जहाँ पर प्लेन रुकती है, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जहाँ पर रनवे की शुरुआत है। तो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ होता है कि एक बहुत बड़ी खबर बीरपुर के लिए, क्योंकि यहाँ से भी अब जल्द जो है वह उड़ान ली जाएगी। एक शख्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जाने कुछ करेंगे कि उनका क्या मंतव्य है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है रुपेश कुमार। अच्छा रुपेश जी, एक कोई ऐसी चीज़ करते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं किसी ऐसे जगह पर जहाँ प्लेन की शुरुआत होती है, घरेलू उड़ान की जब बात होती है, तो मन में एक उत्साह लोगों का आता है कि चलो हमारे शहर में भी एक अच्छा चीज़ हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, यहाँ पे सबका इंतज़ार था, मान चलिए अब हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है, होना चाहिए ऐसा शहर के लिए, गांव के लिए। लोग जो लंबा सफ़र तय करते थे, दिल्ली वगैरह जाते थे या बाहर कहीं जाते थे, तो उन्हें ट्रेन का सफ़र, लेकिन यहाँ खुलने से जो बीरपुर के लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी एक बात कही जा सकती है। अच्छी बात कही जा सकती है, अब दिल्ली मुंबई जाने जहाँ भी जाए तो अच्छा रहेगा, यहाँ से नज़दीक से मिलेगा सुविधा प्लेन की। सर तो ये जो रनवे है यहाँ का, हम लोग तो हेलीपैड के पास अभी खड़े हैं, लेकिन जो रनवे है कितना लंबा है मैक्सिमम? उस रोज़ पदाधिकारी सब आए थे तो बोले कि 1100 मीटर। अच्छा 1100 मीटर लंबा है। अच्छा अभी जो यहाँ पे जो भी मतलब बड़े कार्यक्रम होते हैं या मंत्री या कोई भी गण आते हैं, तो वो यहाँ पर इसी हेलीपैड के पास उतरते हैं? जी यहीं उतरते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आसपास में नेपाल बॉर्डर हमारा टच करता है 8 किलोमीटर की दूरी पर, और सुपौल जिला का मुख्य अंग ये बीरपुर है जी, तो इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा? बॉर्डर एरिया है, इसके लिए तो ऐसा अच्छा रहेगा सर, सबके लिए अच्छा है। अच्छा, लेकिन उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं, लेकिन वो कह सकते हैं कि हम एक बीरपुर शहर के लिए एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, यानी बहुत बड़ा उपलब्धि मिलने वाला है, तो अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। अच्छा आपको क्या लगता है कि यहाँ से शुरुआती उड़ान, जैसे पटना है, दिल्ली है, तो इस पे या फिर अभी 2-सीटर 4-सीटर या ऐसा कुछ प्लानिंग अधिकारी कह रहे हैं या बात चल रही है? नहीं ऐसा तो नहीं सुने, बस निरीक्षण। हाँ निरीक्षण हुआ, नापी उपी किए। अच्छा बोले वो लोग कि बहुत जल्द काम शुरू होगा। अच्छा अधिकारी जो, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यहाँ पर काम शुरू होगा। आपका पूरा नाम क्या हुआ? रुपेश कुमार। तो आपने देखा ये रुपेश जी थे जो कि हेलीपैड के पास हम लोग थे यहाँ पर बीरपुर में, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जो बीरपुर शहर के जो लोग हैं, जो सुपौल ज़िला के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बीरपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यहाँ के जो लोग हैं वो उत्साह में हैं कि जल्द से बीरपुर में जो हवाई अड्डा है उसकी शुरुआत हो जाए, यहाँ से प्लेन की शुरुआत हो, यहाँ से लोग दूर कम समय में काफ़ी जगह पर पहुँच जाएँ, और कह सकते हैं एक सुखद पहल है, और सीज़न दिवाली का भी है, तो बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी बात। व्यापारिक खबरें और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए आप देखते रहें बज़ स्टोरी, और ख़बर को शेयर करते रहें।